वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सीताफल पुडिंग। पुडिंग जो है एक तरह की खीर है, थोड़ी सी ज्यादा थिक होती है और ये जनरली ठंडी सर्व की जाती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सीताफल है मेरे पास, शक्कर है, ये चावल है, ये मैंने टूटे हुए जो बासमती टुकड़ा होता है उसका इस्तेमाल किया है। आप कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुडिंग में जनरली अगर आप टूटे वाले चावल का इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी थिक होती है और ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स है और दूध है। तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट है और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डेजर्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सीताफल पुडिंग। तो चलिए पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये चावल ले लेता हूँ मैं और चावल डाल देता हूँ। ये भीगे हुए चावल है, लगभग आधा घंटा मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था। और इसके साथ ही डाल देंगे दूध, ये लगभग आधा लीटर दूध है। तो जब तक ये हमारा चावल और दूध उबलता है तब तक हम ये सीताफल का पल्प निकाल लेते हैं। लोगों को लगता है सीताफल का पल्प निकालना सबसे कठिन काम है, बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। ये सीताफल ले लिया, इसको हमें खोल लेना है ब्लेंडर में। ये सीताफल ले लिया और बीज के समेत ही इसको डाल दें आप ब्लेंडर के अंदर और इसी तरह से बाकी का सीताफल भी डाल देंगे हम। और इसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा दूध, सीताफल थोड़ा सा डूब जाए इतना दूध डाल देंगे। और इसके बाद बस इसको हल्का सा ये कर दिया हमने। अब एक बड़ी सी छन्नी लेके इसके बीज हम बाहर निकाल देंगे। ये हमने पूरा डाल दिया इसके अंदर सारा फल और अब आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप इसके बीज निकाल सकते हैं और पल्प पल्प आपका छन्नी में रह जाएगा। इस तरह से हम इसके बीज निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से बीज अलग हो गए और ये जो पल्प था अब ये पल्प हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये सीताफल पुडिंग का हमारा पल्प तैयार हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा राइस और दूध का जो मिक्सचर है काफ़ी थिक हो गया है पुडिंग के लिए। अब क्या करना है, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी शुगर, शक्कर थोड़ी कम डालनी है क्योंकि सीताफल काफ़ी मीठा होता है। तो लगभग मैं ये 4 से 5 चम्मच शक्कर डाल रहा हूँ इसमें और इसको मिक्स करते हुए तेज़ी से चलाते हुए शक्कर के घुलने का वेट करना है हमें। और अब हमारी जो पुडिंग के लिए मिक्सचर है, बेस है, वो एकदम तैयार हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे ये जो पल्प हमने तैयार किया है सीताफल का, थोड़ा सा पल्प ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं और बाकी इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद इसको एक बार मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फ्लेम कर दें बंद। सीताफल डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है। और अब क्या करना है, इसको सर्व कैसे करना है ये मैं बता दूं। छोटी छोटी कटोरियाँ ले लें आप और इसमें डालेंगे ये जो हमने पुडिंग तैयार की है, ये पुडिंग इसके अंदर और साथ में ऊपर से थोड़ा सा जो हमने पल्प बचाया हुआ है वो पल्प रख देंगे, साथ में ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, ये मेलन सीड डाल देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट में फाइनली स्लाइस कर लेता हूँ, ग्रेट कर लेता हूँ। ये जो हमारे ग्रेटेड ड्राई फ्रूट्स हैं वो जाएंगे इसके अंदर और इसी तरह से दूसरी पुडिंग भी सर्व कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारी पुडिंग तैयार करने के बाद आपको इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। डीप फ्रीजर में नहीं रखना है, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रखें और इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करें। जो भी गेस्ट आ रहे हैं डेजर्ट के तौर पर इसको सर्व करेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा
और वो डेफिनेटली आपसे इसकी रेसिपी जानना चाहेंगे। तो तैयार है सीताफल पुडिंग, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की नई नई अगर रेसिपी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर हमारे प्रोग्राम के बारे में आपकी कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर कुकरी से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। कुकरी टिप आपको चाहिए तो भी आप हमें मेल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई रेसिपी मैं यहाँ पर बनाऊँ तो हमें ज़रूर भेजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।